सुप्रभात फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये पॉट देख रहे हैं, ये इतना बड़ा पॉट मैंने घर पे बनाया है, तो सुंदर लग रहा है। आइए देखते हैं कैसे इसे मैंने बनाया है। ये कम से कम ये 14 इंच का पॉट है। जब मैंने ये पॉट खरीदा था प्लास्टिक का, तब उसने कहा था 14 इंच का है ये, तो अभी 14 इंच का, कम से कम 12 इंच का तो रह ही जाएगा। तो इसे मैं तैयार कर रही हूँ। मैंने पहले से इसमें ऑयलिंग और सीमेंट लगा के रखा, जिससे कि ये बहुत जल्दी जल्दी मैं बना सकूँ और वीडियो लंबा ना हो। तो इसके लिए जो सीमेंट का रेशियो रखा है, जो मैंने इसका मिक्सचर बनाया है, 3:1, यानी 1 पार्ट सीमेंट और 3 पार्ट रेत है। जो कंस्ट्रक्शन साइट में होती है उस वो रेत है। सबसे पहले तो मैंने इसमें लिक्विड, पहले तो ऑयल लगाया सरसों का, फिर उसके बाद में लिक्विड सीमेंट इसमें चारों तरफ से एक कोट बना लिया। फिर ये मिक्स करके मैं लगा रही हूँ। और ध्यान रखिए, छाया में बनाई है मैंने, ये धूप में बनाया तो मुझे बार बार पानी डालना पड़ रहा है, क्योंकि जब मैं आई ऊपर आई थी छत पे तो छाया थी, मैंने सोचा चलो बना लूँ, फिर धूप निकल आई तो परेशान हो रही हूँ, बार बार पानी छिड़कना पड़ रहा है। तो ऐसे हाथ से दबा दबा के चारों तरफ से ऐसे प्रेशर करके और दबा लो। ज़्यादा ऐसा मत करना जिससे कि कहीं ये गिर जाए आपका सीमेंट, और जब भी सूखे तो आप इस पर पानी का छिड़काव कर लो, है ना। और ये टूल से अपने सेट करते रहो, फिनिशिंग देते रहो इसमें, तो अच्छा हो जाएगा ये। इस तरह से चारों तरफ से फिनिशिंग दे दे के बढ़िया से कर लो। मेरे पास तो ये टूल्स हैं, मेरे अपने किचन के ही ले रखे हैं, करछुली है, चम्मच है, स्पून जो होता है, टी स्पून जो होते हैं ना, वो मैंने छोटे छोटे तोड़ लिए हैं, वही उसी से मैं फिनिशिंग दे देती हूँ इसे। और ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसे हम ऐसे ही रख देंगे। 48 घंटे के बाद मैंने, 72 घंटे के बाद मैंने इसे निकाला था। आराम से फिनिशिंग दे दो, और जब भी लगे सूखा है तो हल्का सा स्प्रे से पानी का छिड़काव कर दो, जिससे कि फिनिशिंग अच्छी हो जाए, सूख सूख के गिरे ना। सीमेंट का रेशियो का जरूर ध्यान रखना, 1 पार्ट सीमेंट और 3 पार्ट रेत, है ना। और ज़्यादा लिक्विड भी मत कर लेना कि हाँ बहुत गीला गीला कर लिया, ऐसा हो कि लड्डू टाइप का बन जाए, लिक्विड ही ना हो। देखिए मैंने पूरा चारों तरफ से ये फिनिशिंग काफ़ी हद तक दे दी है, ये फिनिश हो जाएगा तब हम इसे 72, पहले मैं सोच रही थी 48 घंटे के बाद निकालूंगी, पर ये मुझे लगा निकला नहीं, निकलेगा नहीं, तो फिर मैंने ज़बरदस्ती भी नहीं की। तो ध्यान रखिए, सब फर्स्ट टाइम सबसे पहले जब आप पॉट लेके आए तो पहले आप ऑयल की कोटिंग करें, उसके बाद लिक्विड सीमेंट की कोटिंग करें, उसके बाद इसमें सूखा सीमेंट छिड़काव कर लें। अब ये देखो कंप्लीट हो गया, ये मैंने 72 घंटे बाद निकाला है ये, और देखो कितना अच्छा निकल आया है। थोड़ी बहुत टूट फूट रह गई तो आप इसे बाद में कंप्लीट कर लेना, है ना। इसे मैंने पानी में डुबोया था 12 घंटे के लिए, उसके बाद में इस पर ये वॉल पुट्टी जो आती है उसे फिनिशिंग कर दी। फ्रेंड्स, मेरे आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।